जय श्री गोरखनाथ जी महाराज, जय जय गौ माता। आज इस पावन धरा पे, खुद्दी की पावन धरा पे गुरु गोरखनाथ गौशाला में हम बैठे हैं। इस गुरु गोरखनाथ गौशाला की नींव 6 दिसंबर 2019 को भाई ज्ञानाराम और मैं ध्यान पुनिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। गांव में कोई सहयोग करने वाला नहीं था। 85 गांव में कैद 3 दिन से भूखे प्यासे गोवंश को बचाने के लिए हमने एक मीटिंग बुलाने का आयोजन किया, लेकिन गांव में किसी ने सहयोग नहीं दिया। घर से प्रेरणा मिली, मां ने, धर्मपत्नी ने कहा कि कुछ करो आप। हम कहा भाई क्या करें, गांव में कोई मानता नहीं है। बोला आप भी करो, हम करेंगे लेकिन आपका सहयोग चाहिए। हमारा क्या सहयोग चाहिए, गोबर डालना पड़ेगा। बोला ठीक है, हम गोबर डालेंगे। उन गायों को निकाल के हम किसी से 1.5 लाख रुपया कर्ज पे लेके आए और यहाँ पे तार लाके लगाए, चारा डलवाया। गांव में हर इंसान की हम नफरत के पात्र बन गए थे। कोई बोले पंजाब से यात्रियों ने कुछ पैसा दिया है वो खा जाएंगे, कोई बोले कि यहां पे कब्जा करना चाहते हैं गोचर भूमि पे। ठीक है, सुनते रहे हम। अच्छा काम करने के लिए कदम उठाते हैं तो सुनना ही पड़ता है और सहन शक्ति होनी भी चाहिए। और जिसकी नींव रखी गई उसके हमारे पीछे गौ माता खड़ी है, एक बच्चा थी और आज इस गौशाला की ये रानी है। पहले ब्याहत में ये ब्याई है और 10 किलो दूध है। इस दूध को कोई पिए, यहाँ आने जाने वाला पिए, कोई मना नहीं है, कोई बिक्री नहीं है ना। इस गाय को कोई न्याणा लगाने की जरूरत नहीं है और मालिक की कृपा है। प्रेरणा की अगर बात करें तो धर्म से हमें इसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म से जोड़ के तो हम गौ माता के साथ अन्याय कर रहे हैं। सबसे बड़ा जीव प्रेमी, वन प्रेमी, पेड़ पौधों की रक्षा करना इंसान का धर्म है। ऐसा आय की सहायता करना सबसे बड़ा मानव का धर्म है। उस कड़ी में संघर्ष करते करते वो सर्दी के दिन और उनकी जान बचानी बहुत मुश्किल हो गई। वो भयंकर सर्दी, यहां का बिल्कुल खुला वातावरण, शीतलहर चल रही, छोटे छोटे बच्चे 10 गायों के 10-12 85 में से, अब उनको बचाएं कैसे? अब कोई यकीन नहीं करेगा। जमीन के अंदर गड्ढे खोद खोद के 18-18 घंटे उस सर्दी में हमने काम किया, गड्ढे खोद खोद के उनको छुपा के रखने की कोशिश की और उसमें से 2-1 काल के ग्रास भी बन गए। हमें बहुत दुख है उसका। अच्छा काम करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, आंसू आ जाते हैं आंखों से। एक एक दिन रो रो के गुजारा है, दुनिया के ताने और वो जी तोड़ मेहनत। लास्ट में एक दिन हिम्मत हार गए, रात को 9 बजे अंधेरी रात में एक बच्चे की ऐसा हालत को देख के हमारे पास बचाने के लिए कपड़ा भी नहीं है, बैठ के रोने लग गए कि भैया ये गाय हमें मार दे ठीक हो जाए, और नीचे गर्दन करके रोने लग गए। 10 गायें उस समय आके चाटने लगी तो हमें हौसला मिला कि अभी जिंदगी बहुत कुछ करने के लिए बाकी है, और वो कदम बढ़ाया। आज ईश्वर की कृपा और प्रबुद्ध जनों का, बुद्धिजीवी लोगों का साथ रहा। आज ही गौशाला 7 महीने के अंदर बहुत बड़े ऊंचे स्तर पे पहुंच गई है। 20-25 लाख रुपया इसमें चंदा आ गया है, 3-4 शेड बन गए हैं, 3-4 मकान बन गए हैं, अच्छी व्यवस्था हो गई है। 5 गांव जुड़ गए, पांच गांव जुड़ गए इसमें से, लगभग 250-300
के लगभग गोवंश हो गया है। तो कोई भी भाई है अच्छा काम करने के लिए कदम उठाए बढ़ाए तो उसमें से टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे, हौसला नहीं हारना चाहिए। आज भी उन दिनों को याद करते हैं आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, और आज वो शक्ति इस गोवंश की जीवन रक्षा से हमें ईश्वर ने ऐसी प्रेरणा दी, एक रुपया नहीं होके भी आज ये इस मुकाम पे पहुंच गई, ये इस ईश्वर कृपा है। बुद्धि परिवर्तन है ये, आप हम हमारे वश की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते मोटिवेट, हम कर सकते हैं थोड़ा, कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। समय के निर्धारण को हम नहीं बदल सकते, ये सब कुछ पूर्व निर्धारित है। सभी भाइयों से मेरी एक अरदास है, एक गुजारिश है कि सिर्फ इसको धर्म से जोड़ के नहीं देखें, इनकी सेवा करें, इनको बचाने का प्रयास करें, इनका संरक्षण करें, सरकार से अनेकों योजनाएं हैं उनका लाभ लें। सभी गौशाला संचालकों से, गौभक्तों से मेरे हाथ जोड़ के विनती है, गौ संवर्धन के लिए सरकार भी बहुत मदद कर रही है और आप भी आगे बढ़ चढ़ के आए। हमें ये देसी गोवंश को बढ़ाना है, ये हमें जो ये हाइब्रिड, ये नस्ल हाइब्रिड, ये संस्कृति हमारे देश में जो घुसेड़ दी गई है, इसको किसी ने किसी तरह रोकें। इनको ये काले पीले ये इकट्ठे कर रखे हैं, नाम इनको कोई कुछ कुछ दे रहा है, कोई कुछ नाम दे रहा है, तो इनको बंदियाकरण करवाएं, इनको रोकें, इनको ये नहीं कहते हम इनको मारना है, नहीं, ये भी जीव है, इनको अपना जीवन जीने का अधिकार है, इनकी भी रक्षा कीजिए, लेकिन इस वंश को आगे बढ़ने से रोकिए थोड़ा। और अगर देसी गोवंश का अगर वृद्धि हुई तो इसकी इज्जत हो जाएगी इस वंश की। हम किसान पुत्र हैं, धरती से जुड़े हैं, हमारा तो ये सबसे बड़ी संपत्ति है। धर्म धर्म के साथ साथ में हमारे ये संपत्ति है, गाय गाय हम इसको आदर देते थे, जिसके पास ज्यादा गायें होती थी वो संपन्न माना जाता था, लेकिन आज हमारी कुबुद्धि ने इसको कहां पे पहुंचा दिया। तो थोड़ा सा हाथ जोड़ के विनती है कि देसी वंश गौ संवर्धन पे काम करें और इनकी रक्षा करें। जय श्री नाथ जी। फौजी भाई के साथ रहे हो, दुख सुख में दोनों आशीर्वाद करी, अच्छी काम का विरोध झेलना पड़े हो। जो फौजी गए तो भाई के मेरे सागो ना छोड़ दिए, मैं सागो छोड़ दूंगा नहीं भाई, वो भी हटो पोत अपने नहीं को नहीं, वो सेवा कर दिया अपन, आधी रात में जगह अपन बुलाई, बस आप सेवा कर ला जा और तुम्हारे को नहीं जो बाड़े मैं सेवा कर रहा हूँ। बीमार से मारे मैं दवाई दवा दिया, गोबर चक लिया, वो पानी पै दिया साहब, और तुम्हारी कोई चार हो नहीं साहब। तो मैं फौजी भाई ने कहो मैं विदेशी ने सलाह मशीन मंगवा दियो, नस्ल तो कम हो गया गाड़ा, टाइम देसी देसी तो जरूर रहेंगे अपने।